गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। आपके एक्सरसाइज 3.4 में देखो क्वेश्चन है आपके, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें अपने पता रहता है ये तो होना ही होना है, वो निश्चित। जो लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो निश्चित नहीं। एक होता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, वो है असंभव। और एक है कि बिल्कुल हो सकता है तो वो है संभव। अब जैसे इसमें पहला है, आप आज आप कल से अधिक आयु के होंगे, तो बट नेचुरल है कि क्या हो सकता है, निश्चित है, क्योंकि पिछले कल से तो हम क्या होंगे, बड़े ही होंगे। तो देखिए क्या होगा, निश्चित। ठीक। सेकंड देखिए, एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। अब जरूरी है कि चिती आए, पट भी आ सकता है, तो यानी कि क्या हो गई, अनिश्चित। क्या बन गया, अनिश्चित। ऐसे ही तीसरा, एक पासे को फेंकने पर आठ आएगा। एक पासे को फेंकने पर आठ आए, तो पासे में तो छह ही होते हैं, आठ कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, तो यानी ये क्या हो गया, असंभव। ठीक है। अगला है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब जरूरी है क्या हरी दिखे, हो सकता है लाल भी दिख जाए, तो यानी ऐसी स्थिति क्या हो गई है, अनिश्चित। क्या हो गई है, अनिश्चित। पांचवा देखिए, पांचवा बोल रहा है कल बादल घिरे होंगे। अब कल बादल घिरा होना जरूरी थोड़ी कि हो, और जरूरी नहीं है कि नहीं हो, तो ये भी स्थिति क्या हो गई है, अनिश्चित स्थिति। ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जिसे बोल रहा है एक डब्बे में छह कंचे हैं और जिनमें एक से छह अंक लिखे हैं, यानी कितने अंक लिखे, एक से छह, एक दो तीन चार पांच छह, यानी कुल मिला के कितने हो गए हैं, कुल स्थिति हो गई है छह। अब बोल रहा है संख्या दो वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता, तो संख्या दो वाला कंचा कितना है, एक कंचा है, तो संख्या दो वाला यानी संख्या दो वाला कंचा कितना होगा, एक कंचा होगा, कितना होगा, क्योंकि कंचे कुल मिला के छह ही है, तो एक ही कंचा होगा। अब इसकी निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, तो प्रायिकता के लिए सूत्र होता है कि जितना पूछा है वो और अपॉन में कुल संख्या, यानी एक बटे छह। ठीक है। संभावित स्थिति और कुल स्थिति, ये हो गया है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है संख्या पांच वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता, तो इसी का सेकंड, पांच वाले संख्या निकालने के लिए पांच वाला कंचा भी एक ही है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, एक बटे छह, यानी छह में से एक बार पांचवा कंचा निकल सकता है जिससे पांच लिखा है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो आपको पता है कि भाई सिक्का उछालोगे तो या तो चींटी आएगा या पट ही आएगा, तो दोनों में से कोई भी आएगा तो पक्का स्थिति निश्चित है क्या, तो स्थिति क्या होगी, एक तो हो सकता है चित और एक हो सकता है पट, तो कुल स्थिति कितनी हो गई है, कुल हो गई है दो। अब दो में से या तो चिट्टी आएगा या फिर पट्टी आएगा, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी एक बटे दो। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.4, और 3.3 में आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, ये पूरा होमवर्क करना आपको। थैंक यू।